बीएचयू स्थित परीक्षा नियंत्रक कार्यालय पर छात्रों का धरना दूसरे दिन शनिवार को भी जारी रहा। छात्र शोध में प्रवेश समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलनरत है। इस दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन पर शोध प्रवेश में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। कहा कि पिछले साल की दाखिला प्रक्रिया पूरी नहीं हुई और नए प्रवेश के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। चेताया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन जारी रखेंगे। मांग है जो कि मेरे मित्र अभिषेक ने आपको बताई है, पर उसके अलावे मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो हम लोग की संघर्ष है यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना की, ये और दुखदायी है। अगर आप देखिए तो यहाँ पे हम लोग समझ लीजिए कि बस एक ही टाइम खाना खाते हैं रात में। यहाँ पे हम लोग बैठते हैं, लगातार धरना रहते हैं, बस एक टाइम खाना। और इससे भी बड़ी बात है कि हम लोग पढ़ाई छोड़ के अपने लिए और अपनी जो उचित मांग है हमारी उसको पूरा करवाने के लिए हम लोग लगातार संघर्षरत रहते हैं, लेकिन फिर भी ये कंट्रोलर साहब हम लोग को एकदम इग्नोर करते हैं और उनके कानों पे जूं तक नहीं रहती। हमलावरों की पिटाई से घायल लंका थाना कैनपुरा कला गांव निवासी अनिल राय की बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई। इससे नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस पर हमलावरों में शामिल दो मुख्य आरोपितों की गिरफ्तारी न करने का आरोप लगाया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने समझाकर शांत कराया, वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सन कॉलेज फॉर वुमेन भगवानपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर के 4थे दिन मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान स्वयंसेविका ने लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया, साथ ही मतदान की शपथ दिलाई। स्वयंसेविका के पहल की ग्रामीणों ने काफी प्रशंसा की। इस अवसर पर सावित्री पाल व राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी ने स्वयंसेविकाओं के साथ पूरे गाँव में भ्रमण किया। असी स्थित राम जानकी मठ में पंजाबी महाराज की 18वीं पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान चरण पादुका पूजन, जलाभिषेक और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों की भीड़ उमड़ी। पंजाबी महाराज के भक्त, इष्ट मित्र, शिष्य, देश के साथ ही विदेशों के भी पहुंचे थे। पंजाबी महाराज की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में कई दिनों से कार्यक्रम चल रहा था। श्रीमद् भागवत कथा प्रवक्ता मदन मोहन दास जी महाराज वृंदावन से आए हुए थे। ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री 108 श्री पंजाबी भगवान महाराज जी का ये 18वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा, जो कि कथा प्रवक्ता श्री मदन मोहन दास जी महाराज रहे, वृंदावन से पधारे थे और सवेरे 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा होती थी श्री मारवाड़ी सेवा संघ में। कथा का प्रारंभ 9 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक था और शाम को वृंदावन से सुप्रसिद्ध श्री राम शर्मा जी के नेतृत्व में उनके पुत्र के कुंज बिहारी चरण जी की लीला का दर्शन करवाते थे, जो कि भागवत कथा में जिस तरह कथा होती है उसी तरह लीला का दर्शन होता था। जिले में अब निजी अस्पतालों के भी टीकाकरण का पूरा ब्यौरा यूबिन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। प्रसव कराने वाली महिलाओं, जन्म लेने वाले बच्चे को कौन सा टीका कब लगा, कौन सा आगे लगना है, इसका पूरा ब्यौरा यूबिन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इससे टीकाकरण की सही जानकारी मिलेगी और कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित नहीं रहेगा। पहले ये व्यवस्था सिर्फ सरकारी अस्पतालों में लागू थी। भाजपा की ओर से वाराणसी संसदीय सीट से तीसरी बार लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया पीएम मोदी का चुनाव कार्यालय तुलसी उद्यान में बनेगा। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। लोकसभा समन्वयक और एमएलसी अश्विनी त्यागी की मौजूदगी में महमूरगंज के तुलसी उद्यान में पीएम के कार्यालय की भूमि पूजन किया गया। लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी आएंगे। इसके बाद चुनाव कार्यालय का शुभारंभ होगा। ट्रेन संख्या 22, 34, 5 पटना लखनऊ वंदे भारत में पहले दिन 18 मार्च को काशी से अयोध्या के बीच सीटें फुल हो गई हैं। दोनों श्रेणियों में वेटिंग टिकट मिल रही है, लेकिन 19 मार्च से ट्रेन में पर्याप्त सीटें उपलब्ध हैं। वंदे भारत से काशी से अयोध्या के बीच का सफर महज 2 घंटे 50 मिनट में पूरा हो जाएगा। नई वंदे भारत से काशी से अयोध्या के बीच चेयर कार का किराया 870 रुपये और ईसी में 1495 रुपये का टिकट है। वाराणसी में लोकसभा चुनाव के लिए 7 मई को जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से अधिसूचना जारी होगी, जिसके बाद प्रत्याशी 14 मई तक नामांकन पत्र भरकर चुनाव के लिए अपना नामांकन दर्ज करा सकते हैं। 17 मई तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। वाराणसी में मतदान 1 जून को होगा और इसके परिणाम 4 जून को आएंगे। 6 जून तक पूरी चुनावी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। वाराणसी में आचार संहिता लागू होते ही नगर निगम के अधिकारी एक्शन मोड में आ गए हैं। निगम व प्रशासनिक अधिकारी शनिवार को सड़क पर उतरकर राजनीतिक दलों की प्रचार सामग्री हटाने में जुट गए। अधिकारियों के साथ कमिश्नरेट के 30 थानों की पुलिस भी एक्टिव मोड में नजर आई।
कहीं जेसीबी तो कहीं सीढ़ी लेकर कर्मचारी होर्डिंग्स और पोस्टर हटाते नजर आए। वाराणसी के जिला निर्वाचन अधिकारी एस राजलिंगम ने लोकसभा चुनाव आचार संहिता की जानकारी देते हुए सभी पार्टियों से अपील की है कि आदर्श आचार संहिता का हर हाल में पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि इस बार वाराणसी में मतदान केंद्रों को वोटर फ्रेंडली बनाने की योजना है ताकि अधिक से अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सभी राजनीतिक दलों के साथ एक हफ्ता पहले ही बैठक करके उन्हें आदर्श आचार संहिता की जानकारी दे दी गई है। इसमें हेट स्पीच और निजी आरोप प्रत्यारोपों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा धार्मिक आधार पर वोट नहीं मांगे जा सकते हैं। क्योंकि दिव्यांगों को लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएं होंगी? जैसा कि आज इलेक्शन डेट्स का नोटिफिकेशन हो गया है, सो उसके दृष्टिगत आज से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो रही है। सो आदर्श आचार संहिता को लागू करने के लिए जनपद में जो स्टैटिक सर्वेलांस टीम और जो उड़न दस्ता टीम तत्काल प्रभाव से सक्रिय करा दिया गया और जो आदर्श आचार संहिता लागू करने के लिए जो पोस्टर्स बैनर्स जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लगी हैं वो सब हटा दिया गया। इसके अलावा जो अन्य टीमें हैं, जो मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग समिति है और भी जो टीमें हैं वो सब हमने गठन कर लिया गया। इसके साथ साथ इस बार अगर मतदाताओं की अगर संख्या देखा जाए 30 लाख प्लस वोटर्स हैं इस बार वोट डालने जा रहे हैं। इसमें लगभग 52,000 के ऊपर हमारे जो प्रथम बार मतदान डालने के लिए 18 से 19 साल के जो नए युवा मतदाता हैं वो भी इसमें सम्मिलित हैं।